अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तेरे मित्रों जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों आज हम आपसे चर्चा करें कि बजरंग बली अर्थात हनुमान जी महाराज को पंचमुखी हनुमान बनने की क्या कथा है, क्या हमारा कहता है पुराण। आइए इसी बात पे हम आपसे चर्चा करते हैं। जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तब इस समस्या से दूर निकलने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। और अहिरावण माँ का भक्त था, माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ वह तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम और लक्ष्मण का हरण करके अपनी पुरी अर्थात पाताल लोक में लेकर के गया। कुछ समय के बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह सारा कार्य जान लिया कि यह सारा कार्य अहिरावण का किया हुआ है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने के लिए कहा। पाताल लोक के द्वार पर उनका पुत्र अर्थात हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के लिए और हारने के बाद में मकरध्वज राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए हनुमान जी आगे चलते, मकरध्वज को हराया और आगे चले। वहाँ पांच दीपक उन्हें पांच जगह पर पांच दिशाओं में जलते हुए मिले। अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे उन दीपकों को। इन पांचों दीपकों को जो व्यक्ति एक साथ बुझा सकता था, बंद कर सकता था, वही अहिरावण का बंद कर सकता था। इसी कारण श्री हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी रूप स्वरूप को धारण किया। उत्तर दिशा में बाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुण का मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व में हनुमान जी का मुख। इस रूप को धारण करके उन्होंने पांचों दीपकों को बुझाया, अहिरावण का वध कर दिया, राम और लक्ष्मण को वापस ले आए, मुक्त कराया। इसी में मित्रों एक और कथा आती है कि जब एक दानव था जिसका नाम था मरियल दानव, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराया था उसने, और यह बात जब हनुमान जी को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वह पुनः चक्र को ला करके भगवान विष्णु को सौंपेंगे। मरियल नाम का जो दानव था इच्छानुसार रूप बदलने में माहिर था और वह भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और साथ ही इच्छानुसार वायुगमन की शक्ति के साथ गरुण मुख भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख, हवग्रीव मुख ज्ञान प्राप्त करने के लिए और बाराह मुख सुख और समृद्धि के लिए। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प और यम धर्मराज ने उन्हें पाश नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं उनकी शक्तियों के साथ हनुमान जी उस दैत्य के ऊपर विजय को प्राप्त किया और तभी से उनके यह पंचमुख स्वरूप हुए, तो ऐसी मान्यता भी प्राप्त होती है। तो मित्रों हमने आपको बताया कि हनुमान जी महाराज के ये पंचमुख कैसे हुए, दोनों कथा आपको बताई। इसी तरह की सुंदर रोचक जानकारियाँ लेकर के मैं आपके सामने आता रहता हूँ। आप भी हमसे अपने विचारों को पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली, अपने गृह प्रवेश, भूमि पूजन इत्यादि जो आपके घर के जो दोष हैं उन विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।